बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर, 1 पाव शिमला मिर्ची, 1 कटोरी मैंने फ्रोज़न ग्रीन पीस, आप चाहें तो ताज़े मटर भी ले सकते हैं, 4 बड़े आलू, रिफाइंड ऑयल और खड़ा नमक, बारीक कटी हुई प्याज, मैंने 2 चम्मच लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच से मैंने लिया है पाव भाजी मसाला। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सभी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले सभी वेजिटेबल्स को बॉईल करूंगी। तो मैं इसके लिए कुकर में सारी वेजिटेबल्स है वो डाल दूंगी। ये मैंने लिए हैं आलू, ग्रीन पीस, शिमला मिर्ची और टमाटर। ये देखिए मैंने लिया है पानी और अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी और ये डाल रही हूँ मैं इसमें खड़ा नमक। तो अभी हम इसे मिक्स करके 2 विसिल आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। तब तक कि हम हमारा मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने लिया रिफाइंड ऑयल और इसको गर्म होने पर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मक्खन और इसको इसमें मेल्ट होने तक के मैं इसको गरम करूंगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। पाव भाजी में ज़्यादा बारीक कटी हुई प्याज डलती है। और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करूंगी। ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ा सा पानी डालकर मैं अच्छी तरह से तल लूँगी। ये देखिए हमें इसे तब तक के भूनना है जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए और जो ऑयल है ये रिलीज़ ना हो जाए मसाले में से। अब मैं डाल रही हूँ बाकी के पाउडर मसाले। पाव भाजी मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी, मैंने सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। पाव भाजी मसाला जो है वो मैं पूरा मसाला भुनने के बाद डालूंगी। 5 मिनट इसको भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। ये देखिए ये मैंने नमक ऐड किया है। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है, मसाला कच्चा ना रहे इसलिए इसे ज़्यादा देर भूनते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है इस पूरी प्रोसेस में। अभी मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर इस मसाले को 8 से 10 मिनट के लिए और भूनूंगी। ये देखिए मैंने सभी वेजिटेबल्स को छान लिया है और ये स्टॉक जो है उसे भी रख लिया है। इस स्टॉक को फेंके नहीं क्योंकि हम इसी ही स्टॉक को पाव भाजी में डालने वाले हैं जिससे हम पाव भाजी के मसाले को पतला करेंगे। तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ सभी बॉइल्ड वेजिटेबल्स और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास पाव भाजी मैशर है तो मैं उससे इसको बिल्कुल मैश कर लूँगी।
ये देखिए अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है मसाले में, और अब मैं जो है इसे मैशर से पूरी तरह से मैश कर लूँगी। जो मार्केट में मिलती है स्टॉल वगैरह पे, तो उसका कलर जो है रेड होता है, क्योंकि वो लोग फूड कलर ऐड करते हैं। मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया है, इसलिए मेरी पाव भाजी जो है वो येलो दिख रही है। इस तरह से पाव भाजी बनाएंगे ना तो बिल्कुल स्टॉल वाला टेस्ट मिलेगा। तो जब तक कि मैं मैश कर रही हूँ, आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए पूरी तरह से मैश हो गया है अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसे जितना अच्छा मैश करेंगे पाव भाजी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो अभी मैं बिल्कुल स्टॉल की तरह इसे अरेंज कर लूँगी। ये देखिए मैंने सभी पाव भाजी को पूरी एक तरफ ऐसे अरेंज कर लिया है, और अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरी मिर्ची और कोथमीर, जिसे हरा धनिया भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक प्लेट पाव भाजी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया है मक्खन और हरा धनिया, और मैं ये ले रही हूँ थोड़ी भाजी, और इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं मैशर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी। और इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाता। ये देखिए अभी मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो अभी हम पाव तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मक्खन, और इसमें डाल रही हूँ मैं पाव भाजी मसाला, और ये डालकर मैं जो है पाव को अच्छी तरह से सेकूंगी। है ना आसान तरीका पाव भाजी का। तो ये देखिए ये तैयार है एक्स्ट्रा बटर पाव भाजी। आप इस पे चीज़ भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई चीज़ पाव भाजी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।